अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों ने रेड टर्टल डव मेल को जो है फ्रोस्टी कलर की फीमेल से पेयर किया था। उनके अल्हम्दुलिल्लाह से दो बच्चे निकल चुके हैं दूसरे वाले क्लच के, ठीक है। जो पहले वाले क्लच का बच्चा एक था, जो पहला अंडा फर्टाइल हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल ये बच्चे इसके जो निकले हैं दो, ये निकल आए हैं, ठीक है। और ये जो साथ में मैंने फीमेल छोड़ी है क्रस्टेड वॉलेट नेक, ये मैंने दूसरे रेड टर्टल डव मेल के साथ छोड़ी थी, लेकिन अभी तक उससे पेयर नहीं लगा। तो फ़िलहाल मैंने फिर इसके साथ कर दिया है, चेक करेंगे कि ये इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये रंग तकरीबन जंगली रंग था, तो इसलिए इसने इसके साथ पेयरिंग करने में आसानी होगी और फ़ौरन से ब्रीड आ गई, ये बड़ी खुशी की बात हुई। अब इसके साथ मैं ये छोड़ूंगा, अब क्या करूँगा मैं, ये बच्चे जो हैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो बच्चे हैं मैं उठा लूँगा, अपने हाथ से पालूँगा इनको। इनमें से लगता है कि एक फ्रोस्टी है छोटे वाला, लेकिन अभी कंफर्म कह नहीं सकते। ये जो छोटे वाला ना, ये वाला पीस, इस पे डाउट है मुझे कि शायद फ्रोस्टी बने। एनीवेज इनको हाथ पे उठा लेंगे आज ही मैं, और फीमेल जो है इसके अंदर से फ्रोस्टी पुरानी वाली वो निकाल दूंगा। दो क्लच ले लिए बहुत है, कोई सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिला। असल में मकसद ये था कि हमारा रेड टर्टल डव ट्रेंड हो जाए रिंग नेक डव के साथ पेयरिंग करने में। ये मेल मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, कम से कम 7-8 साल का तो होगा। हमेशा से रेड टर्टल डव से ही पेयर करता आया हूँ इसको। तो ये देखें, ये है हमारी फ्रोस्टी कलर, सुरमई से रंग की फीमेल है, ठीक है। और इस दफ़ा हम इस फीमेल को निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे हम लोग और इसके साथ पेयर करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें से बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे पास अगर हमारी पेयरिंग होगी, और उम्मीद है कि हो जाएगी पेयरिंग। तो अब मैं आप लोगों को पहले वाले क्लच में से जो एक अंडा फर्टाइल हुआ था, वो बच्चा, वो भी जंगली निकला है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम से मुतल्लिक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉस्टी रंग के बच्चे होंगे जो सुरमई रंग के बने। तो बहरहाल मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। ये बच्चा मैंने पोस्टर करवा दिया था, हमारा वॉलेट नेक का मेल है क्रस्टेड। रोशनी उस साइड से ज़्यादा आ रही है, इसलिए से कलर मुकम्मल नहीं सही नज़र आ रहे, वो ऐसा लग रहा है जिससे सफ़ेद है, लेकिन ये जो फीमेल है इसी की बेटी है, ये सफ़ेद रंग की है। ये पेयरिंग मैंने इसलिए की थी कि वाइट कलर के क्रस्टेड बच्चे मेरे पास आए हैं। खैर, अंडे फर्टाइल नहीं हुए तो मैंने फिर उसके नीचे इसी रेड टर्टल का बच्चा रख दिया था जो हाइब्रिड है F1। ये देखें, इसका साइज़ कदरे बड़ा है, क्योंकि रेड टर्टल डव के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ये दरमियाने साइज़ का बच्चा है, और वैसे हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अगर ये मेल बनता है तो किस हद तक इसके ऊपर रेड रंग आता है जो नर का होता है, और अगर फीमेल बनेगी तो फिर तो कोई फ़ायदा भी नहीं इसका, इसको हम लोग आज़ाद कर देंगे या वैसे ही बच्चे पालने के काम आ जाएगा आगे। तो ये हैं जी रिज़ल्ट हमारे रेड टर्टल डव की पेयरिंग के। मैं इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगा जब हमारे पास मज़ीद रिज़ल्ट आएंगे वॉलेट नेक क्रस्टेड फीमेल के साथ जो हमने पेयरिंग की थी उसके मुतल्लिक। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।